हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोबोट्स की संपूर्ण जानकारियां, जैसे रोबोट्स क्या है, रोबोट्स को किसने बनाया यानी कि फादर ऑफ रोबोट, रोबोट कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या यूजेज हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली रोबोट्स क्या होता है। रोबोट एक तरह का मशीन है जो स्पेशली कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। रोबोट मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग से मिलकर बना हुआ होता है तथा ये किसी भी डिफिकल्ट वर्क को करने के लिए सक्षम होता है, या इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कहें तो ह्यूमन के समान कार्य करने वाली ऑटोमेटिक मशीन को रोबोट कहते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे रोबोट को किसने बनाया यानी कि फादर ऑफ रोबोट। जोसेफ फ्रेडरिक एंगलबर्गर, जो कि एक अमेरिकी फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक वैज्ञानी, इंजीनियर और एक बिजनेसमैन थे, लेकिन आविष्कारक जॉर्ज डेवल को दिए गए मूल पैटेंट का लाइसेंस लेते हुए एंगलबर्गर ने सन 1950 में अमेरिका में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, जिसका नाम यूनिमेट है, जिसे डेवलप किया और इम्प्लीमेंट किया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ रोबोट कहा जाता है। थर्डली हम डिस्कस करेंगे रोबोट कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या यूजेज हैं। फर्स्टली इसमें है इंडस्ट्रियल रोबोट यानी कि औद्योगिक रोबोट। इनका उपयोग आमतौर पर वेल्डिंग, पेंटिंग, असेंबली जैसे कार्यों का मरम्मत और मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ये अधिकतर कल कारखाने में पाए जाते हैं तथा अक्सर कंट्रोल इन्वायरमेंट में संचालन के लिए किया जाता है। सेकेंडली सर्विस रोबोट्स। ये रोबोट इंडस्ट्रियल सेटिंग के बाहरी कार्यों में मनुष्य की हेल्प के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे क्लीनिंग रोबोट, हेल्थ केयर रोबोट, स्मार्ट स्पीकर जैसे पर्सनल असिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। थर्ड है ऑटोनोमस रोबोट्स। ये रोबोट ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि मानव हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने और इंडिपेंडेंट तरीके से यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होते हैं, जैसे ऑटोनोमस कार, ड्रोन्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन रोबोट इत्यादि हैं। फोर है टेली ऑपरेटेड रोबोट। इन रोबोट्स को मनुष्यों द्वारा दूर से ही कंट्रोल किया जाता है। इन्हें अक्सर उन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है जहां मानव निपुणता और डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्य सीधा ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के से डेंजर या दूर होता है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिमोट सर्जरी इटीसी। फाइव है ह्यूमनाइड रोबोट। इन रोबोट्स को दिखने में कुछ हद तक तथा बिहेवियर में इंसानों जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ उन रोल्स में भी किया जाता है जहां ह्यूमन इंटरेक्शन जैसे स्वास्थ्य की देखभाल करना, एंटरटेनमेंट, सर्विंग इटीसी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।